स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस में लाइच पेन। यह एक छड़ी नुमा और होता है जिसमें संवेदनशील प्रकाश की संकेत होते हैं, यानी कि लाइट रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं। आकार में यह क्या होता है, कलम की भांति का होता है। लाइट पेन तो पेन की तरह ही होता है। इसके एक और क्लिप होती है, इसमें एक और क्या लगी होती है, क्लिप लगी होती है। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग हम किस में करते हैं, चित्रों को भेजने के लिए। जिस चित्र पे हम लाइट पेन से टच कर देते हैं स्क्रीन पे, वो चित्र कंप्यूटर को सेंड हो जाता है या भेज देते हैं। किसी भी आकृति को जब कंप्यूटर पे बनाना होता है तो हम उस आकृति का लाइट पेन से रेखांकन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट पेन से ही जिसको जो आकृति बनानी है उसे ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का आविष्कार 1950 में हुआ था। 1950 में स्कैनर का आविष्कार हुआ था। इसके द्वारा चित्रों अथवा कागज़ पर छपे अक्षरों को क्या किया जाता है, उसी रूप में कंप्यूटर की स्मृति तक पहुंचाया जाता है। यानी कि स्कैनर से स्कैनिंग करके क्या होता है, कंप्यूटर में जो चित्र हम लोग स्कैनर से पे रखते हैं वो क्या होते हैं, ठीक उसी रूप में कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे फिनिश हो गई हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी, ओके, और नोट्स भी सेंड कर दूँगी ये वाले। और आपको मैं आज ऑप्शनल क्वेश्चंस दूँगी 1, 2, 3 चैप्टर के, जो आपको करने होंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।